तो दोस्तों स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने शामिल किया है लेटेस्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2022 नवोदय विद्यालय नॉर्थ ईस्ट रिक्रूटमेंट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट आई थी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 2022 में, उसका क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए लेके इस वीडियो में आ गए हैं दोस्तों। तो शारीरिक शिक्षा विषय के पूरे 80 क्वेश्चंस को इस सिंगल वीडियो में हमने कवर किया है, और इस वीडियो को आपको पूरा पूरा लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए नवोदय विद्यालय समिति के क्वेश्चन पेपर में। और साथ ही साथ यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए हेल्पफुल होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आ गई हूँ एक बार फिर आप सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और पूछा जा रहा है कि किसी एक लेखक द्वारा इंगित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य है, यानी कि ये जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं ये किसी लेखक द्वारा दिए गए हैं। आपको निम्न ऑप्शंस में से पढ़ के बताना है कि इन उद्देश्यों को किसके द्वारा बताया गया है। तो देखिए कौन कौन से उद्देश्यों की बात की जा रही है, अंगिक विकास, तंत्रिका पेशी विकास, व्याख्यात्मक विकास एवं भावात्मक विकास। और अब आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा की ये जो उद्देश्य दिए गए हैं तो इनको किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एंड वॉट इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कॉबल एंड स्वैन के द्वारा ये उद्देश्य बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं, देखिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो उद्देश्य बताए गए हैं शारीरिक शिक्षा के वो दिए गए हैं कॉबल एंड स्वैन के द्वारा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा की सर्वाधिक उपयुक्त संकल्पना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी शारीरिक गठन से शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। शारीरिक गठन से शिक्षा मींस एजुकेशन थ्रू फिजिक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन थ्रू फिजिक यानी कि शारीरिक गठन से शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा की सर्वाधिक उपयुक्त संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच ऑफ मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि ज्यादातर अधिकतर जो मोटर कौशल अधिगम होते हैं वो किस पीरियड में होते हैं, यानी कि जो मोटर स्किल लर्निंग होती है वो किस अवस्था में होती है या किस स्टेट में स्टेज में होती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। बाल्यावस्था में मोटर स्किल लर्निंग मोस्टली टेक प्लेस इन चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट, मस्कुलर एक्टिविटी इज एंटायरली डिपेंड ऑन, यानी कि पेशी क्रियाकलाप पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। तो किस पर निर्भर होती है मस्कुलर एक्टिविटीज या पेशी क्रियाकलाप, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, तंत्रिका एवं रक्त प्रवाह पर, यानी कि टाइप्स ऑफ मसल्स एंड दैट सप्लाई ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ नर्व, तंत्रिका यानी टाइप्स ऑफ नर्व या नर्व एंड ब्लड सप्लाई पर डिपेंड होती हैं मस्कुलर एक्टिविटीज मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजरमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, यानी कि कौन सा मेजरमेंट जो है वह किसी भी व्यक्ति की हृदय वाहिका क्षमता का श्रेष्ठ मापन माना जाता है। तो हृदय वाहिका क्षमता का श्रेष्ठ मापन जो है वो किस रूप में जाना जाता है, तो इसे VO2 मैक्सिमम के द्वारा सही तरीके से मापन किया जा सकता है। किस मापन को किसी व्यक्ति की हृदय वाहिका स्वस्थता का श्रेष्ठ मापन माना गया है, तो VO2 मैक्सिमम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स एंड बोन्स इस करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि पेशियों और अस्थियों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा संयोजन यहाँ पे जो है वो सही दिया गया है, ये आपको बताना है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ग्लूटियस मैक्सिमस, और यहाँ पे अरु अस्थि दिया हुआ है हिंदी में,
इंग्लिश में हम आपको बता देते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड फीमर, ये सही कॉम्बिनेशन है मसल्स और बोन्स का यहाँ पे। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग, एक्चुअली ये लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल और फीमर बोन का यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक्स पार्ट ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, यानी ऐसा कौन सा सिस्टम है या तंत्र है जो बहुत ही कम या शायद ही कभी भाग लेता है शारीरिक कसरत या फिजिकल एक्सरसाइज में, तो वो कौन सा तंत्र है? देखिए, पाचन तंत्र की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। वह तंत्र जो शारीरिक शिक्षा में शायद ही भाग लेता है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी चेंज डू अक्वायर इन मस्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के मस्कुलर सिस्टम पे बहुत से इफेक्ट पाए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो फाइंड द करेक्ट चेंज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, यानी सही चेंज कौन से होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मीन्स बी सी ई, मीन्स 2, B, C and E इज करेक्ट आंसर। सी मीन्स पेशी तंतु की संख्या में वृद्धि होती है और ई मीन्स पेशी तंतु का आकार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है दोस्तों, बी सी ई इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं एक्सरसाइज के मस्कुलर सिस्टम पे। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स इंक्रीज हो जाते हैं और साथ ही साथ साइज ऑफ द मसल फाइबर भी इंक्रीज हो जाता है। ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पल्मोनरी वेंटिलेशन इज रिलेटेड टू, यानी फुफ्फुसी वायु संवातन यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, श्वसन दर एवं ज्वारी आयतन से, मींस रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वॉल्यूम से संबंध होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीजेस बिकॉज, यानी कि कसरत के दौरान एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, क्यों? कार्डियक आउटपुट में वृद्धि क्यों हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों ही बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो जब हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो कार्डियक आउटपुट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनिंग मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट ओनली टू वंस स्पोर्ट ऑफ चॉइस बट ऑल्सो टू वंस इंडिविजुअल, मीन्स विशिष्ट प्रशिक्षण ना केवल किसी व्यक्ति की रुचि के खेल के लिए होना चाहिए अपितु व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल के क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल की योग्यताओं के अनुरूप भी होना चाहिए अपितु व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुरूप भी होना चाहिए खेल प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। द रेट ऑफ स्पीड एट विच फिजिकल एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इज नोन एज, यानी कि गति की वह दर जिस पर शारीरिक क्रियाकलाप किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इंटेंसिटी के रूप में इसे जाना जाता है, द रेट ऑफ स्पीड इज नोन एज इंटेंसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर एबिलिटीज इज कंसीडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट टू इंप्रूव, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर क्षमता, निम्न मोटर क्षमताओं में से किस क्षमता को सुधारना सबसे कठिन माना जाता है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गति यानी कि स्पीड को डेवलप करना या इम्प्रूव करना सबसे डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन से ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, इनके कंपैरिजन में स्पीड को डेवलप करना काफी कठिन माना जाता है। टू इम्प्रूव एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इट इज सजेस्टेड टू डू, यानी कि उदरीय शक्ति को बेहतर करने के लिए कौन सा जो एक्सरसाइज है या क्या सुझाव दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, सिटअप्स लगाना। टू इम्प्रूव एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इट इज सजेस्टेड टू डू सिटअप्स, सिटअप से जो है उदरीय शक्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ टेस्टिंग लेग स्ट्रेंथ,
यानी कि लेग स्ट्रेंथ के परीक्षण के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। लेग स्ट्रेंथ यानी कि लेग स्ट्रेंथ के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो डायनेमोमीटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ टेस्टिंग लेग स्ट्रेंथ, पैरों की ताकत को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डायनेमोमीटर का। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन, व्हेन फोर्स अप्लाइड थ्रू मसल्स इज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब पेशी से लगाया गया बल वस्तु के प्रतिरोध से अधिक हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इट इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, या इसे आइसोटोनिक के रूप में जाना जाता है। जब पेशी से लगाया गया बल वस्तु के प्रतिरोध से अधिक हो तो उसे हम आइसोटोनिक रूप में जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पीड एंड्योरेंस विच मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग आर मोर अप्रोप्रिएट, यानी कि गति सहनशीलता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां अत्यधिक उपयोगी होती हैं? एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। पुनरावृत्ति एवं मध्यावधि मींस रेपिटेशन एंड इंटरवल इंटेंसिव मेथड्स आर हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड एंड्योरेंस। पुनरावृत्ति एवं मध्यावधि इंटेंसिटिव यानी गहन मेथड्स उपयोगी होती हैं गति सहनशीलता के विकास के लिए। नेक्स्ट, विच कंडीशनल एबिलिटी इज इन्वॉल्व टू वर्क अंडर फैटिक कंडीशन एंड वर्क एफिशिएंटली, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। यानी कि अंडर फैटिक यानी थकान की बात की जा रही है कि थकान की स्थितियों में और कार्य क्षमता के दौरान कार्य करने के लिए कौन सी दक्षता संलग्न होती है? ऑप्शन नंबर 3, थकान के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को एंड्योरेंस यानी सहनशीलता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एंड्योरेंस इज करेक्ट आंसर। इन वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग रोइंग एक्सेट्रा टू डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज बीन प्रूव्ड टू बी मोर इफेक्टिव, यानी कि जल वाले खेलों जैसे कि तैरना नाव खेना इत्यादि में पेशी बल की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अत्यधिक प्रभावी होती है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। आइसोकाइनेटिक मेथड की बात यहाँ पे की जा रही है। आइसोकाइनेटिक मेथड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स Which of the following is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 मीन्स हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड मच बाई ट्रेनिंग, यानी कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को जो है ट्रेनिंग के द्वारा अधिक सुधारा नहीं जा सकता, स्वास्थ्य संबंधी क्षमता प्रशिक्षण द्वारा अधिक सुधारी नहीं जा सकती, ये यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स को ट्रेनिंग के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है दोस्तों, तो ये यहाँ पे गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि निम्न में से किसे खेलों में द्वितीयक भागीदारी के रूप में नहीं माना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मीन्स एथलीट इज करेक्ट आंसर। एथलीट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट, और खेलों में द्वितीय भागीदारी के रूप में जिसे नहीं जाना जाता वो है खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग गेम्स विच आर जनरली प्लेड बाई प्लेयर्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सामान्यतः निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है? तो देखिए, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के खिलाड़ियों द्वारा खेला जाने वाला जो खेल है वो है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। फुटबॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए क्या पूछा गया है कि अर्ली सोशलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स आर टेकिंग प्लेस थ्रू, जो अर्ली सोशलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स का होता है
यहाँ पे देखिए हिंदी में खेलों का प्रारंभिक समाजीकरण जिस स्थान पर या जिसके द्वारा हो रहा है तो वो क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर घर, दिस इज करेक्ट आंसर, घर यहां पे सही है। खेलों का प्रारंभिक समाजीकरण जिस स्थान पर या जिसके द्वारा हो रहा होता है तो घर इज करेक्ट आंसर, घर के द्वारा ही प्रारंभिक समाजीकरण होता है खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एरोबिक एक्सरसाइज, यानी कि कौन सा एक वाताक्षेपी यानी कि एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाने वाले व्यायाम में शामिल है दोस्तों? तो जॉगिंग इज करेक्ट आंसर। यस फ्रेंड्स, जॉगिंग के लिए लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसे एरोबिक एक्सरसाइज में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच इज एन एनएरोबिक एक्टिविटी। अब यहां पे देखिए बात की जा रही है एनएरोबिक यानी कि अनॉक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, लॉन्ग जंपिंग। लॉन्ग जंपिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एनएरोबिक एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, लंबी कूद जो है ये एक प्रकार की एनएरोबिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा रोप स्किपिंग, साइकिलिंग और मैराथन रनिंग, ये सभी एरोबिक एक्टिविटीज में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खेलों का अंतर्भूत पुरस्कार है या इंट्रिंसिक रिवार्ड है खेलों का, खेलों के आंतरिक पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम इज करेक्ट आंसर। सेल्फ स्टीम यानी स्वाभिमान को खेलों के आंतरिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इन चाइल्डहुड एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी बाल्यावस्था में व्यक्ति का आचरण प्रायः प्रभावित होता है। तो किसके द्वारा प्रभावित होता है बाल्यावस्था में? परिवार के द्वारा। फैमिली इज करेक्ट आंसर। बाल्यावस्था की बात यहाँ पे की जा रही है। मोटर स्किल्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि गामक कौशल बहुधा परिणाम होता है। मोटर स्किल्स जो होते हैं वो मेनली किस चीज का परिणाम होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, अभ्यास यानी प्रैक्टिस का परिणाम होते हैं। सबसे ज्यादा जो है बेहतर तरीके से मोटर स्किल्स को प्रैक्टिस के द्वारा ही सीखा जा सकता है या सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द वेरी कॉमन स्पोर्ट इंजरीज व्हेन द लिगामेंट इज अफेक्टेड इन अ जॉइंट, इट इज नोन एज, मोस्टली खेलों की जो चोटों में जो लिगामेंट जब प्रभावित हो जाते हैं तो उसे किस प्रकार की चोट के रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसे मोच या स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। लिगामेंट इंजरी इज नोन एज स्प्रेन, या इसे मोच के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अल्कोहल एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स बाई, यानी कि अल्कोहल जो होता है वो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को एडवर्सली अफेक्ट करता है, ठीक है, बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही है, यानी कि डिक्रीजिंग रिएक्शन टाइम, ये जो दिया हुआ है यहां पे कि रिएक्शन टाइम को घटा देता है, ये गलत है। जब भी अल्कोहल का एथलीट पे बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसका उसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इसमें बैलेंस जो है वो, देखिए हिंदी में समझा देते हैं कि संतुलन और स्थिरता को घटा देता है अल्कोहल का प्रभाव, समन्वयता क्षमता घटा देता है, दृष्टिपथ को अव्यवस्थित कर देता है, ये सही है, और प्रतिक्रिया समय को घटा देता है, ये गलत है, क्योंकि प्रतिक्रिया समय को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट टोबैको और निकोटीन इन्फ्लुएंस द ह्यूमन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय वे ऑफ, यानी कि तंबाकू या निकोटीन खेलों में मानव के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है यहाँ पे, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यर इंक्रीजिंग एपेटाइट यानी कि भूख बढ़ा देता है। तंबाकू या निकोटीन का खेलों में जो प्रदर्शन होता है वो भूख को बढ़ा देता है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है यानी कि सही नहीं है। तो इसके अलावा क्या क्या इफेक्ट डालता है टोबैको, देखिए ऑक्सीजन के वाहन को अव्यवस्थित कर देता है, और नंबर 2 हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ इंक्रीज्ड विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि दृश्य सूचना प्रक्रम में वृद्धि कर देता है, ये यहाँ पे सही है, लेकिन भूख को बढ़ा देता है ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एंड इट इज आस्किंग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स आर अब्यूज्ड इन स्पोर्ट्स बट द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स आर कॉमन, यानी कि खेलों में प्रदर्शन सुधार औषधियों का दुरुपयोग होता है, किंतु निम्नलिखित दुष्प्रभाव सामान्य है। कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो सामान्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है कि दर्द के बोध में कमी, यानी कि दर्द के बोध में कमी मतलब क्या होगा कि डिक्रीज ऑफ पेन परसेप्शन जो है यहाँ पे, ये हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। यानी कि जो आप यहाँ पे बात की जा रही है ड्रग्स की यूज से जो दर्द के बोध में कमी हो जाती है वो एक दुष्प्रभाव के रूप में नहीं जाना जाता। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें अव्यवस्थित निर्णयन, अव्यवस्थित पेशी समन्वयन एवं परिशुद्धता में कमी, ये सभी औषधियों के दुष्प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल इन 100 मीटर हर्डल रेस इज, यानी पुरुषों के लिए बाधा दौड़ की बात की जा रही है, सॉरी इस फीमेल के लिए बात की जा रही है। 100 मीटर बाधा दौड़ जो होती है वो महिलाओं के लिए आयोजित होने वाला हर्डल रेस है, तो इसमें स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर 13 मीटर होती है 100 मीटर बाधा दौड़ में स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं। इन मेंस बॉक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरी इज नॉट करेक्ट, पुरुषों के बॉक्सिंग भार वर्गों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, हल्का भार 52 से 56 किलोग्राम होता है, ये सही नहीं है। लाइट वेट 52 टू 56 किलोग्राम होता है, ये सही कैटेगरी नहीं है। इसके अलावा जो हैवी वेट 81 टू 91 केजी, मिडिल वेट 69 टू 75 केजी और वेल्टर वेट 64 टू 68 केजी होता है दोस्तों, ये यहाँ पे सही कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइथलॉन इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंज दैट कंबाइंस टू वन सिंगल इवेंट, और ट्राइएथलॉन इवेंट में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, कौन से 3 इवेंट्स को शामिल किया जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1.5 किलोमीटर स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 10 किलोमीटर दौड़ना शामिल होता है ट्राइएथलॉन प्रतियोगिता में। ट्राई का मतलब ही होता है 3 प्रतियोगिताएं जिसमें शामिल होती हैं, 1.5 किलोमीटर स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हुक, जैब, अपरकट, क्रॉस आर एसोसिएटेड विद विच गेम, तो हुक, जैब, अपरकट या क्रॉस जैसे शब्दों का संबंध, टर्मिनोलॉजी का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कार्ड इज अलाउड इन विच गेम, तो ब्लैक कार्ड का संबंध किस गेम से है? बैडमिंटन और फेंसिंग से ब्लैक कार्ड का संबंध है, बैडमिंटन एंड फेंसिंग। द टर्म कोड ऑफ पॉइंट इज रिलेटेड टू, कोड ऑफ पॉइंट टर्म किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से इसका संबंध है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्न में से किसे सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये ग्रास के कोर्ट में खेला जाता है, ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है दोस्तों, और ग्रास कोर्ट में जो खेली जाती है प्रतियोगिता वो कौन सी है? तो वो है विंबलडन, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में और विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेली जाने वाली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम विच वन इज लेटेस्ट, यानी कि वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप के समंजन यानी नियंत्रण तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नियम नवीनतम है? एंड द करेक्ट आंसर इज VAR सिस्टम, नया नियम है फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के संबंध में VAR। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्रैक, यानी कि स्टैंडर्ड ट्रैक के संबंध में कौन सा मेजरमेंट यहाँ पे सही नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। इनमें कम से कम 6 लेन होनी चाहिए, ये गलत है स्टैंडर्ड ट्रैक से संबंधित, क्योंकि कम से कम 8 लेन होनी चाहिए स्टैंडर्ड ट्रैक में, ये सही है दोस्तों। इसके अलावा देखिए स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होना चाहिए, इसकी चौड़ाई जो है वो 1.22 मीटर होनी चाहिए और इनर बॉर्डर ऑफ द ट्रैक जो होता है वो ऊंचा होना चाहिए, ये सभी सही है, लेकिन 6 लेन होती है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सीरियसली इन्फ्लुएंसेस कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट, यानी कि खेलों में प्रदर्शन में निरंतरता को निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति गंभीरता से प्रभावित करती है, और क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 अधित्यक्ता का होना, अधित्यक्ता होना यानी अक्वेरेंस ऑफ प्लेटो की बात यहां पे की जा रही है, अक्वेरेंस ऑफ प्लेटो यानी प्लेटो का बनना जो होता है, जब प्लेटो बन जाता है यानी कि जिसमें ज़्यादा सुधार नहीं होता है और जो सीखने की क्षमता है वो रुक सी जाती है, तो उसे हम प्लेटो के रूप में जानते हैं दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम होती है। दिस कंडीशन सीरियसली इन्फ्लुएंस कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, एट द टॉप लेवल इन ऑल स्पोर्ट्स इवेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन्स इन देयर, यानी कि सभी खेल घटनाओं के शीर्ष स्तर पर खिलाड़ियों में सार्थक अंतर होते हैं उनके या उनकी किसके अनुसार या किस में अंतर होते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 2 मेंटल प्रिपरेशन में अंतर होता है। सभी खेल घटनाओं के शीर्ष स्तर पर यानी टॉप लेवल परफॉर्मेंस या स्पोर्ट इवेंट्स में खिलाड़ियों के मेंटल लेवल मेंटल प्रिपरेशन में जो है डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज मोस्ट क्रूशियल टू ट्रांसफर पॉजिटिव इफेक्ट इन स्किल लर्निंग प्रोसेस, कौशल अधिगम प्रक्रम में धनात्मक प्रभाव स्थानांतरण के लिए क्या सर्वाधिक निर्णायक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कौशलों में तत्व समरूपता यानी कि एलिमेंट सिमिलैरिटी इन स्किल इज मोस्ट क्रूशियल टू ट्रांसफर पॉजिटिव इफेक्ट इन स्किल लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हेल्थ ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, एक वयस्क व्यक्ति का स्वास्थ्य मुख्यतः उत्तरदायित्व तो होता है किसका, तो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड ओनली थ्रू अ रेटिंग स्केल, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के कौन से गुणों कौशलों का आकलन केवल एक श्रेणी मापक्रम में ही किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, एबिलिटी टू प्ले इन अ गेम यानी कि खेलने किसी गेम को खेलने की क्षमता, खेल में खेलने की क्षमता, इनका आकलन केवल एक श्रेणी मापक्रम से ही किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्स्टिकल रेस इज गुड मेजर ऑफ, बाधा दौड़ एक उत्तम मापदंड होता है, तो हर्डल रेस या ऑब्स्टिकल रेस किसका गुड मेजरमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कोऑर्डिनेशन के मेजरमेंट के लिए ऑब्स्टिकल रेस इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, द आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट इज मीन्ट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ, आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट जो मेन सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है, तो किस वर्ष की आयु के लिए होता है, देखिए दोस्तों 12 से 18 वर्ष की आयु के लिए होता है आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए 12 से 18 वर्ष की आयु के लिए होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कौन सी औषधि प्रतिबंधित नहीं है, एल्कोहल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, योग्यता की पहचान यानी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इमोशनल स्टेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की भावनात्मक दशा पर विचार नहीं करना चाहिए। ओके, योग्यता की पहचान के लिए तो किस पर करना चाहिए, देखिए नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन द पास्ट, इस पर विचार किया जाना चाहिए,
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इस पर विचार किया जाना चाहिए और हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग आइडेंटिफाई द एथलीट हु हैव मोर एसटी फाइबर्स एंड रिलेटिवली लेस एफटी फाइबर्स. ऐसे एथलीट की पहचान कीजिए जिनमें ज़्यादा स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं लेकिन कम फास्ट ट्विच फाइबर्स पाए जाते हैं और ज़्यादा स्लो ट्विच फाइबर्स जिनमें हों तो कौन से खिलाड़ी होते हैं वो. सही आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 मैराथन रनर्स में मांसपेशियों में स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा और फास्ट ट्विच फाइबर्स कम पाए जाते हैं, यानी कि रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा और वाइट मसल फाइबर्स कम होते हैं. एथलीट्स आर एडवाइज टू नॉट टेक एनी सच ड्रग और केमिकल सब्सटेंस विच आर बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बिकॉज. खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसी औषधि या रासायनिक पदार्थ का सेवन ना करें जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो. क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. यहाँ पे 2, 3 और 4 ये दोनों ही सही हैं कि ये अनएथिकल होते हैं, इलीगल होते हैं और इट कैन एनहांस परफॉर्मेंस इन अननेचुरल वे. तो ये जो है यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे सही हैं दोस्तों. अकॉर्डिंग टू आंसर की ही हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर कि 2, 3, 4 तीनों ही यहाँ पे सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो दी जेनेरियो में आयोजित 2016 के ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक गोल्ड जीता था. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. कैरोलिना मरिन इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ जनरल वार्म अप. तो जनरल वार्म अप के जो सही सीक्वेंस है वो क्या है दोस्तों. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है. इनिशियल जॉगिंग, सबसे पहले जॉगिंग करवाई जाती है, फिर लूजनिंग एक्सरसाइजेस, फिर स्ट्राइडिंग, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और फिर एक्सिलरेशन रन. ये तीनों यहाँ पे सही हैं. सॉरी, ये सीक्वेंस यहाँ पे सही है. यहाँ पे जनरल वार्म अप से रिलेटेड इनिशियल जॉगिंग, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्राइडिंग, स्ट्रेचिंग और एक्सिलरेशन रन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट अवार्ड्स विच वन इज मीन्ड फॉर कोचेस. कोचेस को दिया जाने वाला अवार्ड निम्न में से कौन सा है. ऑप्शन नंबर 4 द्रोणाचार्य अवार्ड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मैचिंग ऑफ ट्रॉफीज एंड गेम्स. तो सही मैच कौन सा है. देखिए ऑप्शन नंबर 1 डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, ये यहाँ पे सही मिलान है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री इन द लिस्ट ऑफ इवेंट्स ऑफ वुमेन जिमनास्टिक. महिला जिमनास्टिक की घटनाओं में या इवेंट्स में जो गलत इवेंट है जो उसकी पहचान कीजिए. तो हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे गलत है क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार पुरुषों के लिए आयोजित किया जाने वाला इवेंट होता है पुरुष जिमनास्टिक में. हॉरिजॉन्टल बार इसके अलावा देखिए फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंस बीम और वॉल्टिंग टेबल, ये सभी फीमेल्स के लिए आयोजित होने वाले इवेंट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग में बी समराइज्ड एज फॉलोज. यानी कि जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के जो इफेक्ट होते हैं, बेनिफिट्स या फायदे होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं. अब आपको बताना है कि कौन से दो यहाँ पे सही हैं. तो क्या है देखिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 मीन्स डी और ई सही होता है, मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ जाती है और LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है. लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी जो फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है और रेस्टिंग हार्ट रेट जो होती है वो भी बढ़ जाती है. ये फायदे होते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग के. ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसमैच इन द गिवन लिस्ट ऑफ द फिजिकल फिटनेस एट्रीब्यूट्स. गलत जो है आपको गलत की पहचान करनी है. तो शारीरिक फिटनेस के लक्षणों में से गलत सूची को पहचान करना है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. स्पीड जो है वो कूपर टेस्ट का संबंध कूपर टेस्ट से है, ये यहाँ पे गलत है. ओके, फाइंड द मिसमैच. तो स्ट्रेंथ का संबंध जो है वो हाइपरट्रॉफी से है, सही है.
कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का संबंध जो है वो VO2 max से है, ये भी सही है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सिट एंड रीच टेस्ट से संबंध है, ये सही है। लेकिन स्पीड का संबंध कूपर टेस्ट से है, गलत है, क्योंकि कूपर टेस्ट भी एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए ही होता है, ना कि स्ट्रेंथ के लिए। स्टेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंड नंबर ऑफ बाइस टू बी गिवन इन अ सिंगल नॉकआउट फिक्सर फॉर 10 टीम्स। 10 टीमों के सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सर में मैचों की कुल संख्या और बाई की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर 3, कुल मैच होंगे एन माइनस 1 यानी कि 9, और बाई की संख्या जो होगी वो होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य के आयाम के रूप में किसे नहीं जाना जाता? ऑप्शन नंबर 3, पॉपुलेशन डायमेंशन इज नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो इसके अलावा देखिए सोशल डायमेंशन, देन इन्वायरमेंटल डायमेंशन और क्यूरेटिव एंड प्रिवेंशिव डायमेंशन को हेल्थ डायमेंशन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री अंडर द हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की गलत प्रवेश को पहचान कीजिए। फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री अंडर द हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं है? स्वस्थ जीवन का विकास। स्वस्थ जीवन का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ हेल्थफुल लिविंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के प्रमुख उद्देश्यों में देखिए क्या क्या शामिल किया जाता है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हेल्थ एटीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हेल्थ प्रैक्टिसेस, इन सभी को शामिल किया जाता है हेल्थ एजुकेशन के उद्देश्यों में, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थफुल लिविंग को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बॉडी वेट कंट्रोल ऑफ ओबेस पर्सन आर। मोटे व्यक्तियों के वजन को नियंत्रित करने की उत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3, मध्यम शारीरिक श्रम और वांछित भोजन से कम 500 kcal कम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल जोन्स। यानी कि शहरी एवं औद्योगिक जोनों में कौन सा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है? सीवेज वाटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर HIV। HIV के ट्रांसमिशन के लिए जो कौन सा है जो जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ट्रांसमिशन थ्रू सलाइवा। Which of the, अच्छा आपको बताना है यहाँ पे कि फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री, गलत क्या है ये बताना है। तो सलाइवा के ट्रांसमिशन से जो है HIV जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता, ये गलत है। इसके अलावा देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसमिशन और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच आर कंसिडर्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट। तो हमारे आहार में निम्न में से किसे सूक्ष्म पोषी माना जाता है ये आपको बताना है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, मींस ई और एफ, विटामिन एंड मिनरल्स को सूक्ष्म पोषी यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज अ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिसीज विद द फॉलोइंग फीचर। यानी ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं वह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज है, लेकिन इन लक्षणों में से कौन सा TB के लक्षणों में नहीं जाना जाता है? TB के लक्षणों के रूप में किसे नहीं जाना जाता दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यह एक रोगात्मक रोग नहीं है, इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिसीज। यह एक रोधात्मक रोग नहीं है, इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिसीज, ये गलत है, क्योंकि इसका इलाज किया जा सकता है। आपको पता है कि TB जो है वो एक प्रिवेंटिव डिसीज है, ना कि नॉन प्रिवेंटिव डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रतिदिन विभिन्न संकटों का सामना कर रहा है, कार्यस्थल पर, शहरी आवासों पर इत्यादि। तो निम्नलिखित 4 संकट एक स्रोत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि गलत कौन सा है, तो कौन सा यहाँ पे गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कि जैविक संकट का संबंध जो है वो क्लोरोफॉर्म से है, ये यहाँ पे गलत है। बायोलॉजिकल हैजार्ड का संबंध क्लोरोफॉर्म से है, ये गलत है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो केमिकल हैजार्ड्स में शामिल होगा दोस्तों, इसलिए ये बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बड़ी हद तक वायु प्रदूषण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। निम्नलिखित कुछ समस्याएं दी गई हैं और इन प्रभावों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सी समस्या नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, मींस ओजोन परत का 6 जो होता है निलंबित पदार्थ, यानी कि डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर सस्पेंडेड सब्सटेंसेस या पार्टिकल से होता है, ये गलत है। यहाँ पे इस प्रभाव में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ओजोन परत का 6 निलंबित पदार्थ से होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों द्वारा पूजनीय स्टेरॉयड का प्रयोग किया जाता है, एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं, तो इन 4 दुष्प्रभावों में से महिलाओं के लिए कौन सा लागू नहीं होता, ये आपको बताना है कि कौन सा दुष्प्रभाव महिलाओं के लिए लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये नपुंसकता, ये दुष्प्रभाव महिलाओं में नहीं पाया जाता एनाबोलिक स्टेरॉयड के प्रयोग से। पीयर इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट, समकक्ष समूह पारस्परिक क्रिया और संबंध दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ये समूह सक्रियता या ग्रुप डायनेमिक्स को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम 5 ईयर्स एंड एंड्स बाय द एज ऑफ, उत्तर बाल्यावस्था 5 वर्ष से प्रारंभ होती है और किस आयु में समाप्त होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ईयर यानी कि 12 ईयर्स मींस 12 वर्ष की अवस्था में समाप्त होता है उत्तर बाल्यावस्था का समय। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स इज अ मार्क ऑफ, यानी कि लड़कियों में प्रथम मेनार्क जो होता है, प्रथम मासिक धर्म का आरंभ होना किसकी पहचान है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ईयर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की पहचान होती है, यानी शारीरिक परिपक्वता की पहचान के रूप में जाना जाता है मेनार्क को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तो कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ईयर वायु में पीएम यानी कि पीएम के उच्च स्तर, पर्टिकुलर मैटर होता है, पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर, हाई लेवल्स ऑफ पीएम इन द एयर, ये सही नहीं है हेल्थफुल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, लड़के और लड़कियों दोनों की किशोरावस्था के लिए विभिन्न अभिलक्षण दिए गए हैं, तो दिए गए विकल्पों में से उसे पहचानिए जो दोनों लिंगों के लिए समान है, आपको बताना है। लड़के एवं लड़कियों के लिए जो समान लक्षण है वो कौन से होते हैं किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, मींस सी एंड ई, मतलब अक्षीय एवं जगन पर बालों का दिखना एवं लिंग उत्तेजना, इंग्लिश में बता देते हैं, देखिए दोस्तों, अपीयरेंस ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर सी, और ई मतलब सेक्स ड्राइव, ये सेम फीचर्स होते हैं जो कि लड़के एवं लड़कियों में किशोरावस्था में पाए जाते हैं, दोनों में ही ये फीचर्स पाए जाते हैं। खेल मनोविज्ञान, खेल समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से उस समूह को पहचानिए जो खेल व्यवस्था में अधिक सार्थक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ईयर एक महाविद्यालय की वॉलीबॉल टीम, तो ये जो है ये समूह जो है जो खेल व्यवस्था में अधिक सार्थक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, खिलाड़ी चोट व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा क्रम सही है, खिलाड़ी चोट व्यवस्था की बात की जा रही है, यानी कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड सपोर्ट, राइसेस की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज सेट टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रखरखाव पर अर्थपूर्ण प्रभाव डालता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ओबेसिटी नॉट अ रिस्क फैक्टर, कौन से रोग में मोटापा एक जोखिम नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गैस्ट्रो एंटेराइटिस मोटापे के कारण नहीं होता, इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिसीज,
ग्लूकोज इंटॉलरेंस और हाइपरटेंशन, ये सभी मोटापे के कारण होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हियर, जीवन सुरक्षित रखना, प्रिजर्व लाइफ इज एन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। ओके दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियोस में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।